सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं अभिषेक और आज आप देख रहे हैं रॉयल इनफील्ड हंटर वर्सेस रॉयल इनफील्ड मिटियोर। आज इन दोनों ही गाड़ियों को कंपेयर करने वाले हैं और दोनों ही गाड़ियों को ओवरऑल देखेंगे कौन सी गाड़ी आप लोगों को ज़्यादा सुटेबल रहेगी और कौन सी गाड़ी आपको कंसिडर करनी चाहिए। तो साइड बाय साइड सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों गाड़ियों के लुक्स की। तो यार ये हंटर जो है थोड़ा सा कॉम्पैक्ट देखने में लगती है और जो मिटियोर की बात करूँ थोड़ा सा जो है एक हैवी लुक उसमें आपको देखने के लिए गाड़ी का मिल जाता है। तो दोनों ही गाड़ियों को एक बार साइड बाय साइड आप देख लीजिए कि लुक वाइज कौन सी आपको ज़्यादा बढ़िया लग रही है। उसके बाद कंपेयर करेंगे इसके फीचर्स, इसके स्पेसिफिकेशन और इसका सारा कुछ। तो यार बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन से। तो इंजन यहाँ पर आपको दोनों ही गाड़ियों में सेम देखने के लिए मिल जाएगा। दोनों ही गाड़ी में आपको 350cc का इंजन देखने के लिए मिल जाएगा। जो आपका मिटियोर में आ रहा था वही सेम इंजन इन हंटर में डाला हुआ है। तो इंजन में कोई भी बदलाव नहीं है, दोनों के सेम इंजन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के टायर साइज की। तो यार टायर साइज में आपको फर्क दिख रहा होगा, यहाँ देखिए टायर साइज में आपको साफ साफ फर्क दिख रहा होगा। तो एक बार टायर साइज दोनों ही गाड़ियों का देख लेते हैं कि क्या प्रोफाइल है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मिटियोर की। तो यहाँ आपको 100x19 इंच यानी 19 इंच का अलॉय व्हील आपको सामने देखने के लिए मिल जाएगा। वही मैं बात करूँ अगर हंटर की, तो यहाँ आपको 110/70/17 यानी 17 इंच का अलॉय व्हील यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। तो यानी यहाँ आपको देखने के लिए मिलता है 19 इंच का अलॉय और यहाँ आपको देखने के लिए मिलता है 17 इंच का। यानी फ्रंट टायर में दोनों के यार काफ़ी फर्क है, आप देख सकते हैं। दिखने में ही आपको लग रहा होगा कि अच्छा खासा फर्क आपको दोनों के फ्रंट टायर में देखने के लिए मिल रहा होगा। अब बात कर लेता हूँ दोनों ही गाड़ियों की सीटिंग की। तो यहाँ आपको एक सिंगल सीट देखने के लिए मिलती है, ये देखिए कुछ इस तरीके की सिंगल सीट आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगी। और बात करूँ मिटियोर की, तो यहाँ आपको स्प्लिट सीट देखने के लिए मिल जाएगी। ये देखिए यहाँ पर आपको स्प्लिट सीट का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि कार काफ़ी थोड़ा सा एक क्रूजर वाला लुक देता है इस गाड़ी को। ये हल्का सा एक क्रूजर वाला लुक आपको इसमें देखने के लिए मिल रहा होगा। और वहीं हंटर में आपको एक जो मैं बोलता हूँ ऑफ रोड लुक जैसे बोलते हैं, वो उस टाइप वाला एक कॉम्पैक्ट लुक आपको देखने के लिए मिल रहा है। बाकी दोनों ही गाड़ियाँ काफ़ी यार शानदार लग रही हैं। यहाँ आपको क्रोम हैंडल्स मिल जाएंगे सामने, और यहाँ आपको क्रोम हैंडल्स नहीं है, आपको ब्लैक ही आपको ये अपने मिरर देखने के लिए मिलेंगे। यहाँ आपको क्रोम मिरर देखने के लिए मिल जाएंगे, जो कि एक अच्छी चीज़ है। बात कर लेते हैं आप दोनों ही गाड़ियों के स्पीडो कंसोल की। तो स्पीडो कंसोल लगभग सेम है, कुछ इस तरीके का स्पीडो कंसोल आपको मिटियोर का देखने के लिए मिल जाएगा। वहीं बात करूँ हंटर के स्पीडो कंसोल की, तो कुछ इस तरीके का स्पीडो कंसोल आपको हंटर का देखने के लिए मिल जाएगा। यानी स्पीडो कंसोल और 12 इंच मिरर के जो फीचर्स हैं वो लगभग लगभग सेम हैं, मतलब ज़्यादा फर्क नहीं है इनमें। ये लगभग लगभग आपको सेम ही देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के रियर लुक की। तो रियर लुक एक बार मिटियोर का आपको मैं दिखाता हूँ कि पीछे से कुछ किस तरीके की लगती है मिटियोर देखने में। तो ये देख लीजिए कुछ इस तरीके का लुक आपको मिटियोर का देखने के लिए मिलेगा। कुछ इस तरीके का आपको ग्रैब हैंडल देखने के लिए मिल जाएंगे मिटियोर में, हालांकि उसमें थोड़ा अलग तरीके के हैं जो अपने हंटर है। एक बार वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये एक बार हंटर का आप देख लीजिए, हंटर का यार रियर लुक थोड़ा इस तरीके का आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ आपको ये मिल जाएगा LED में, हालांकि ये हेलोजन है, ये भी आपको प्लास्टिक में ही देखने के लिए मिलेगा, ये आपको मेटल में देखने के लिए नहीं मिलेगा। बट वहीं मिटियोर में आपको ये चीज़ मेटल की देखने के लिए मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के इंजन की। तो यार इंजन वही आपको बताया मैंने, 350cc का इंजन इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, जो प्रोड्यूस करता है 21 BHP की पावर एंड 28 Nm का टॉर्क, जो कि एक अच्छा खासी पावर आपको इसमें देखने के लिए मिल जाती है। बाकी अब बात कर लेते हैं यार दोनों ही गाड़ियों के साइलेंसर की। तो साइलेंसर दोनों की काफ़ी चेंज है। एक बार मिटियोर का साइलेंसर कुछ इस तरीके का देखने के लिए आपको मिलेगा, जो क्लासिक में आता था वही सेम वही साइलेंसर इसमें देखने के लिए मिल जाएगा। बट यहाँ आपको साइलेंसर जो है थोड़ा चेंज है, कुछ इस तरीके का आपको एक स्पोर्टी साइलेंसर देखने के लिए गाड़ी में मिल जाता है, जो कि यार काफ़ी एक अट्रैक्टिव लुक गाड़ी को देता है, क्योंकि इसको कॉम्पैक्ट डिजाइन बनाया गया है इसका। तो कॉम्पैक्ट के हिसाब से कुछ इस तरीके का लुक्स में आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो ये एक अच्छी चीज़ है। बाकी यार दोनों ही गाड़ियों की सर्विस कॉस्ट लगभग सेम आएगी, क्योंकि सर्विस कॉस्ट में ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों ही गाड़ियों के। तो सर्विस कॉस्ट आपको लगभग सेम ही देखने के लिए गाड़ियों में मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स अब बात कर लेते हैं दोनों ही गाड़ियों के हेडलाइट की। तो आप हेडलाइट आप दोनों ही गाड़ियों की देख लीजिए, यहाँ भी आपको हेलोजन सेटअप देखने के लिए मिलेगा, वहीं यहाँ भी आपको हेलोजन सेटअप देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आपको इसमें DRL देखने के लिए मिल जाएंगे, चारों ओर इसके DRL देखने के लिए मिल जाएंगे। बट यहाँ पर को आपको कोई DRL देखने के नहीं मिलेंगे, यहाँ पर नॉर्मल हेलोजन बल्ब आपको देखने के लिए मिलेगा। सामने दो इंडिकेटर वो भी हेलोजन में दिए हैं, इसमें भी LED का आपको कोई ऑप्शन नहीं देखने के लिए मिलता है, यानी LED दोनों ही गाड़ियों में LED का ऑप्शन नहीं दिया गया है। फ्रंट में आपको डिस्क मिल जाएगा, बट मिटियोर का डिस्क थोड़ा छोटा है एज़ कम्पेयर टू अगर हम इसको कंपेयर करूँ हंटर के डिस्क से। हालांकि हंटर का टायर साइज थोड़ा छोटा है, तो उसके वजह से थोड़ा वो ज़्यादा बड़ा लग रहा है, बट एक साइज ये उससे बड़ा है। तो ये चीज़ है। बाकी दोनों ही गाड़ियाँ FI है, FI गाड़ियाँ दोनों ही आपको मिलेंगी, यानी कार्बोरेटर वाला सिस्टम दोनों में देखने के लिए नहीं मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों में आपको एक FI सिस्टम देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी ओवरऑल ये थी वीडियो, दोनों ही गाड़ियों को मैंने साइड बाय साइड कंपेयर करके दिखा दिया आप लोगों को। हालांकि ज़्यादा फर्क नहीं है, इंजन तो सेम ही है, बट थोड़ा लुक का फर्क है। तो
तो वही चीज है, इसमें लुक का ही फर्क है, बाकी प्राइसिंग में डिफरेंस है यार। ये 10 से 15 हज़ार रुपये महंगी आपको देखने के लिए मिलेगी इससे, हंटर से, तो वही 15-20 हज़ार रुपये का फर्क है इसमें। ये थोड़ा कॉस्टली है उससे, इसके लुक्स के वजह से, इसके जो ओवरऑल इसका जो लुक निकल के आता है, बाकी इंजन दोनों ही गाड़ियों में सेम है। तो फ्रेंड्स यार ये थी मेरी एक वीडियो, हंटर और मिट्योर को मैंने कंपेयर किया, बाकी एक और वीडियो और मेरी और आने वाली, इसमें मैं हंटर को कंपेयर करूंगा क्लासिक के साथ, जो नई वाली क्लासिक आई है उसके साथ इसको कंपेयर करके देखेंगे। तो फ्रेंड्स बाकी यार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।